करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मलेरिया इन शॉर्ट। तो मलेरिया मेनली एक एनोफिल मस्कीटो के कारण होता है। में ये इसका एक वेक्टर होता है जो एक तरह से वर्ग करता है किसी भी इंडिविजुअल्स में मलेरिया कॉज करने के लिए। बट अगर मलेरिया का मेन कॉज जाना जाए तो वो कॉज होता है प्लाज्मोडियम के कारण, क्योंकि एक प्रोटोजोअल डिजीज है तो मेनली ये एक टाइप के प्लाज्मोडियम द्वारा होती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम पी वेलवेक्स हो गया, पी मलेरिया हो गया, पी फैसीपैरम हो गया। तो ये तीन टाइप्स के प्लाज्मोडियम है जो सबसे ज्यादा मलेरिया कॉज करने में मदद करते हैं या करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में, जिसमें से पी पैसिफेरम सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया कॉज करता है किसी भी इंडिविजुअल्स में। तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस तरह से वर्किंग होता है। तो सबसे पहले एक एनोफिल मस्कीटो से जो प्लाज्मोडियम कंटेंट करता है वो किसी इंडिविजुअल्स को कट करता है उसकी बॉडी में, कहीं पास भी मान लो हाथ में ही कट कर दिया। अब उसके बाद बॉडी में जैसे ही कट करता है तो वो म्यूकस के थ्रू उसके ब्लड में उस पैरासाइट्स को इंजेक्ट कर देता है। अब जिसके कारण वो लीवर पे जाके धीरे धीरे कलेक्ट होना चालू हो जाता है। लीवर पे वो अपनी तादाद एसेक्सुअली मोड से बढ़ाने चलता है, बढ़ाते जाता है। और जैसे ही उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, फुल्ली मैच्योर, तो ब्रस्ट हो जाता है, फूट सा जाता है। फूट होने के बाद वो ब्लड में कॉन्टेक्ट में आता है, ब्लड के धीरे धीरे ब्लड को वो रैप्चर करना चालू कर देता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करके, आरबीसी के हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। हीमोग्लोबिन एक टाइप का पॉइजनस सब्सटेंस है जो ब्लड को धीरे धीरे डिस्टर्ब करना चालू कर देता है, और जिसके कारण बॉडी में 3 से 4 दिन तक के लिए लगातार चिल फीवर होता है, फिर ठीक होती है बॉडी, फिर चिल फीवर होता है। तो ये होता है। इसके बाद ये जैसे ही ये पैरासाइट्स फर्दर डेवलपमेंट की ओर जाते हैं और इसका गैमेटोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, कोई मेल गैमेट प्रोड्यूस किया, कोई फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया, इस तरह से अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। अब जैसे ही गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो मान लो उसी जिसको मलेरिया है उस इंडिविजुअल्स को, उसको फिर ऐसे कोई एनोफिल मस्कीटो, फीमेल एनोफिल मस्कीटो कट कर देती है, और कट करने के बाद उसके बॉडी के थ्रू वो क्या इंजेक्ट कर लेती है इस टाइप्स के गैमेटोसाइट्स को और ब्लड के साथ। अब ब्लड के साथ जैसे इंजेक्ट कर लेगी तो मस्कीटोज के इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, वहां पास वो जाकर के फ्यूज अप कर जाता है। फ्यूज अप होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट ही बनेंगे। जाइगोट बनने के बाद वहां से फिर से वो डेवलपमेंट चालू कर देते हैं अपने, इसी स्पोरोजॉइड डेवलपमेंट फिर से चालू हो जाता है उन पैरासाइट्स का। इसके बाद वो वहाँ पास उनके स्टोमक से सलाइवरी ग्लैंड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद उनके सलाइवा के साथ वो मिक्स अप हो जाते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट स्टेज में वही फीमेल एनोफिल मस्कीटो किसी इंडिविजुअल को कट करती है तो उसके बॉडी के अंदर फिर से ये पैरासाइट इंटर कर जाते हैं। ये प्रोसेस को ध्यान रखना, इसमें 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। एक तो कौन, एक तो हम जैसे इंसान जिसको सबसे ज्यादा खतरनाक कर दी है, बर्बाद करती है, और दूसरे फीमेल एनोफिल मस्कीटोस की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 चीज इसके होस्ट है जो जरूरत है इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। मतलब अगर एक अवेलेबल है, दूसरा अवेलेबल नहीं है, तो ये इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इसका फायदा उठाते हैं। अब किसी को मलेरिया हो गया तो उसके आसपास किसी को नहीं जाने देते, ना तक मच्छर तक नहीं जाने देते हैं। मच्छर तक नहीं जाने देंगे तो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट नहीं होगा, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो ये डिसीज फैलेगी नहीं। तो ये भी एक तरीका है रोकने का। अब इसको रोकने के लिए, इसको ठीक करने के लिए एंटी मलेरिया ड्रग्स से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि क्यूनिन हो गया, क्लोरोक्विनिन, जो मेनली फेमस हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं हर एक मेडिकल स्टोर्स में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है मलेरिया। मलेरिया को आप स्प्रेड करने से रोक सकते हैं अगर आप नीट्स का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड्स डीटीजी का इस्तेमाल करें, इसके बाद मस्कीटोस नीडल्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।